शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अयोध्या मामले में 31वें दिन की सुनवाई आज हो रही है। अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों का यू टर्न देखने को मिला है। राम चबूतरे को राम का जन्मस्थान नहीं मानते। आपको बता दें कि कल जफरयाब जुलानी ने कहा था कि राम चबूतरा ही राम का जन्मस्थान है, ये वो कहते हुए नजर आए थे। आज 31वां दिन है सुनवाई का और आज यू टर्न कहीं ना कहीं ले लिया है सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों का, ये यू टर्न देखने को मिला है और अब वो कह रहे हैं कि राम चबूतरे को राम का जन्मस्थान नहीं मानते हैं। कल अपनी दलीलें पेश की थी, कल से शुरुआत हुई है। जफरयाब जुलानी ने अपनी दलीलें पेश की थी और उस दलील में ये लिखा गया था कि राम चबूतरे को राम का जन्मस्थान मानते हैं, लेकिन अब मुस्लिम पक्षकारों का ये यू टर्न देखने को मिला है अयोध्या मामले में अब उनका कहना है कि राम चबूतरे को राम का जन्मस्थान नहीं मानते। जी मीडिया संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, इस मसले को लेकर कल भी चर्चा हुई और कल जफरयाब जुलानी ने कहा था कि राम चबूतरा ही राम का जन्मस्थान है, लेकिन आज ये यू टर्न क्यों? देखिए, अपने बयान से जो है जफरयाब जिलानी जो है वो पलट गए हैं, और क्योंकि उनका कहना था कि उन्होंने अपने बयान का हवाला नहीं दिया था। उन्होंने जिला जज जो तत्कालीन जो फैजाबाद में जो जिला जज ने इस मामले की सुनवाई की थी उनके हवाले से उन्होंने कहा था। ऐसे में सुन्नी वक्फ बोर्ड का मानना है कि राम चबूतरा जो है वो जन्म स्थान है, ऐसा कुछ सुन्नी वक्फ बोर्ड का मानना नहीं है, ये जफरयाब जिलानी ने साफ कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अपने बयान से जो है जफरयाब जिलानी जो है वो पलट गए हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कल बयान दिया था और उसी बयान के आधार पर जो है आज तमाम मीडिया में जो है खबरें छपी हैं, कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए उन्होंने अपने बयान से जो है पल्ला झाड़ लिया है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा यू टर्न जो है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कल माना था कि राम चबूतरा जो है वो जन्म स्थान ही है और इससे मानने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन आज उन्होंने साफ कर दिया है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का मानना है कि राम चबूतरा जो है वो जन्म स्थान का ही हिस्सा है, ऐसा कुछ मानना नहीं है, क्योंकि उनका कहना था कि जिला जज का ऐसा बयान था, उन्होंने जिला जज के बयान का हवाला दिया था। फिलहाल इस मामले की सुनवाई शुरू होते ही एक वकील ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहा है, क्योंकि जो तमाम रामचरितमानस को लेकर जो तमाम बातें जो उनकी ओर से कही जा रही है कहीं ना कहीं कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। वकील ने कहा कि उन्हें सुना जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आप इस मामले में कोई पक्षकार हैं, तो वकील का जवाब था कि नहीं, वो इस मामले में कोई पक्षकार नहीं है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि आपको नहीं सुना जाएगा। फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस वक्त जारी है और जिलानी जो है इस वक्त बहस कर रहे हैं, लेकिन ये एक तरह से अपने बयान से कल के बयान से जो है जफरयाब जिलानी जो है वो जरूर पलट गए हैं। सुमित, क्योंकि कल कई दलीलें यहाँ पर पेश की गई थी, क्या उससे भी अभी पल्ला झाड़ते हुए वो नजर आए हैं या फिर उस पर भी कुछ सफाई दे सकते हैं, आगे भी खुलासे होंगे कि आखिर उन्होंने अंदर क्या कहा है? देखिए, फिलहाल अभी उसी आर्गुमेंट पर जो है बहस की जा रही है जफरयाब जिलानी से, और जफरयाब जिलानी का साफ तौर पर ये कहना था कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का ये मानना है कि जो राम चबूतरा है वो जन्म स्थान है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जिला जज का ये बयान था और उसी बयान को उन्होंने कल पढ़ा था, और इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है कि ये सुन्नी वक्फ बोर्ड का ही बयान है। तो फिलहाल इसी बात पर जो है जफरयाब जिलानी जो है वो इस वक्त बहस कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जन्म स्थान के मसले पर जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड इस वक्त सवाल खड़े कोर्ट में कर रहा है। उनका ये कहना है कि मंदिर तोड़कर जो है मस्जिद नहीं बनाई गई थी और खाली स्थान पर जो है वो मंदिर माफ कीजिएगा मस्जिद बनाई गई थी, ये जिलानी की ओर से फिलहाल आर्गुमेंट दी जा रही है। आपको बता दें कि इसके बाद जो है अगला जो सुनवाई की जो कड़ी होगा उसमें जी अन्य वकील। लेकिन सुमित, एक दिक्कत यहाँ पर यह है कि अगर रोज दलीलें अपनी बदलेंगे तो यहाँ पर कई मुश्किलें आ सकती हैं इस केस के सामने भी, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ सुप्रीम कोर्ट के आगे अपनी दलीलें पेश करनी चाहिए, जहाँ पर जफरयाब जुलानी कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल ये बहस के दौरान जो जफरयाब जुलानी ने ये बात कही थी, कहीं ना कहीं
ये बहुत बड़ा मसला बन गया था और तमाम आज देख लीजिए आज तमाम अखबारों में या फिर मीडिया की जो हेडलाइन है टीवी चैनल की ये यही है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने माना कि राम चबूतरा जो है वो जन्म स्थान है। तो कहीं ना कहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से उन्हें इंस्ट्रक्शन आई होगी, इसके बाद ही आज उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये सुन्नी वक्फ बोर्ड का ऐसा मानना नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपने बयान से जरूर पलट गए हैं, लेकिन देखना बेहद अहम होगा कि आने वाले दिनों में जो है क्या इस बयान पर फिर से हिंदू पक्षकारों की क्या कुछ दलीलें रहती हैं, ये देखना बेहद अहम रहेगा। बिल्कुल सुमित, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।